को क्योंकि अंदाज में जैसे जैसे दोषी करार दिया गया था राम रहीम को, हाथ जोड़कर वो खड़ा हुआ है अदालत में, राम रहीम समाज सेवी है इसीलिए उसे माफी मिले, वकील की तरफ से बचाव पक्ष की ये दलील अदालत के सामने रखी जा रही है। ठीक है, वो करते हैं जसविंदर पटेल उस पर हमारे साथ मौजूद है। जसविंदर, लोग कयास लगाए जा रहे थे कि समाज सेवी होने का तर्क रखा जाएगा बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से, सामाजिक कार्यों का जिक्र किया जाएगा, वही कर रहे हैं आप बचाव पक्ष के वकील? आप सूत्र जो बता रहे हैं उन्होंने कहा कि सीबीआई ने ये अपना पक्ष रखा है कि मैक्सिमम इनको सजा दी जानी चाहिए, हाईएस्ट पनिशमेंट होनी चाहिए इनके लिए, इन्होंने बेहद घिनौना काम किया है। लेकिन जो बीच में बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी बात रखी है, उन्होंने सामाजिक कार्य का हवाला दिया है, उनके परिवार का हवाला दिया है और ये कहा गया है कि सफाई अभियान से लेकर और ब्लड डोनेशन तक जिस तरह की ये सोशल वर्क में इन्वॉल्व है उनको देखकर इनके प्रति नरमी और रहम की एक तरह से भीख मांगी गई है, इनके प्रति नरमी रखी जाए, इस तरह की दलील दी गई है बचाव पक्ष की ओर से। लेकिन फिलहाल ये दोनों दलीलों को सुनने के बाद जज को अपना फैसला सुनाना है, उसमें किस पर गौर करेंगे किस पर नहीं गौर करेंगे ये अलग बात है, लेकिन उनकी जो चंद लाइनें होंगी वो इस बलात्कारी बाबा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्या सजा पर बहस पूरी हो गई है जसविंदर पटेल? बहस चल रही है, वरना बहस पूरी नहीं हुई है। जिस तरह से दोनों ही पक्ष जो है आते ही ये पहले सीबीआई ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत ब्रीफ था उनका, बहुत संक्षिप्त था, उन्होंने सीधा सीधा हाईएस्ट पनिशमेंट देने की बात की। लेकिन अब जो है वो बचाव पक्ष के जो वकील है, तीन वकील वहां पर मौजूद है कोर्ट रूम में, वो अपना पक्ष रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनके सामाजिक कार्यों का हवाला देते हुए इनको किसी तरह से नर्म रूप रखा जाए, कम सजा दी जाए। ये बलात्कारी बाबा सामाजिक कार्य करता है बलात्कारी बाबा और इसके तमाम कामों को गिनाया जा रहा है जनता के सामने। आइए सीधे आपको न्यूज के कोर्ट रूम लिए जाते हैं। बेटा जी ये बताइए कि बलात्कारी बाबा कह रहा है कि मैंने झाड़ू लगाया, रक्तदान किया, मैं तो समाज सेवी हूँ, इससे कुछ असर पड़ेगा? शुरुआत में बात कही थी कि जहाँ आस्था की बात है, जहाँ समाज सेवा की बात है, तो आप पे और भी ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ती है अपने आचरण को सही करने। अगर हम इन दलीलों को लें तो फिर समाज में बाबाओं पे धर्म पे आस्था बढ़ेगी नहीं, नेहा जी कम होगी। अगर वही लोग जो जो इन पोजिशन पे बैठे हैं जहाँ पे लोग एक आस्था लेकर के समाज सेवी के रूप में या धर्म गुरु के रूप में आपकी और जबरदस्त और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बड़ी बात आती है, ज्ञानम से कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा दाव? आप समाज सेवी होने का दावा करते हैं और जाकर के आप ऐसा जघन्य काम से सजा की मांग कर रही है? वही बाबा के वकील इसी तरफ से बचाव में कहा जा रहा है कि ये तो समाज सेवी है, इन्होंने सामाजिक दावे किए हैं, इसलिए नरमी इनके साथ बरती जाए। फिलहाल ताजा जानकारी क्या आ रही है रोहतक आपको लिए चलते हैं। जगविंदर पटेल हमारे साथ है। जगविंदर जी, इंस्पायर का सपोर्ट है 72-15। देखिए अभी बाबा खड़े हैं, उन्होंने सिर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक सफेद कलर का कपड़ा बांधा हुआ है, टोपी या जिस तरह से पगड़ी वगैरह धारण करते थे वो नहीं है। आज बाबा ने एक कुर्ता पजामा डाल रखा है, सिर पर कपड़ा बांधा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि वो इसी मुद्रा में खड़े हैं और केवल रहम की अपील कर रहे हैं और इसी मुद्रा में जो है वो जज के सामने खड़े हैं। उनके वकील जो है वो अभी भी अपना पक्ष रख रहे हैं और जहां पर ये कार्रवाई चल रही है इस वक्त उस तरफ आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के अधिकारियों की गाड़ियों का काफिला उस तरफ बढ़ रहा है जहां सुनारिया जेल है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम इतने पुख्ता किए गए हैं कि क्या सीआरपीएफ क्या बीएसएफ क्या हरियाणा पुलिस क्या आर्मी तमाम इंतजाम चूक किए गए हैं। इस बलात्कारी बाबा की सजा की अनाउंसमेंट होने के दिन के कड़े सुरक्षा प्रबंधों में। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि आज सीबीआई कोर्ट बाबा को कितने साल के लिए रोहतक की जेल में रखने का आदेश देगी। हमें भी उस आदेश का इंतजार है और उन तमाम लोगों को भी उस आदेश का इंतजार है जो 3 दिन से एबीपी न्यूज पर इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं।